सुखकारिणी दुख हारिणी सुखकारिणी दुख हारिणी हर भक्त की हृदयेश्वरी हर भक्त की हृदयेश्वरी मातेश्वरी परमेश्वरी मातेश्वरी परमेश्वरी हम पतित को तारेश्वरी हम पतित को तारेश्वरी मातेश्वरी परमेश्वरी मातेश्वरी मातेश्वरी Thank you.
शंकरा महादेव 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 शंकरा परम पुरुष शंकरा पार्वतीश शंकरा परम पुरुष शंकरा पार्वतीश शंकरा प्रणत पाश कृत विनाश महादेव शंकरा विषमनयन शंकर उमा रमण शंकर विषमनयन शंकर उमा रमण शंकर विश्वभरण काल हरण महादेव शंकर महादेव 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 शंकर जय देवी दयाल हरि जन देवी दयाल हरि जननी महेश्वरी पालय माम महेश्वरी पालय माम जय जय देवी दयाल हरि
सर्वकलामयी पालय माम। जय जय देवी दयाल हरी, संस्कृति लोचनी द्वैत विमोचनी, संवित स्वरूप जननी महेश्वरी पालय माम। जननी महेश्वरी पालय माम। जननी महेश्वरी पालय मङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमो नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे 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 जगदम्बे देवी भवानी कुमारगणनाथाम्बा कल्याणी श्यामलाम्बा जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी ओङ्कारनादरूपिणी संसारतापतरणी संसारतापतरणी ओङ्कारनादरूपिणी संसारतापतरणी
शरणाद रूपिणी संसार ताप तरणी जय हे देवी शुभ दे माता जय हे देवी शुभ दे माता सुरावराचित नारायणी सुरावराचित नारायणी सुरावराचित नारायणी सुरावराचित नारायणी जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे 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 जगन्माते शक्ति संतत मंतर भज त्रिपुराम्बां शशांक कोटि सदृश मुख बिंबां संतत मंतर भज त्रिपुराम्बां शशांक कोटि सदृश मुख बिंबां सायं प्रातः स्मर शिव जाया सायं प्रातः स्मर शिव जाया श्रीमातां ललितां श्रुति गेया श्रीमातां ललितां श्रुति गेया स्मारं स्मारं त्यज निज माया स्मारं स्मारं त्यज निज माया संतत मंतर भज त्रिपुराम्बा शशांक कोटि सदृश मुख बिंबा संतत मंतर भज त्रिपुराम्बा शशांक कोटि सदृश मुख बिंबा स्थापय दृढ श्रद्धा बलिपीठम स्थापय दृढ श्रद्धा बलिपीठम कृत्वा निशितं बुद्धि विचारं कृत्वा निशितं बुद्धि विचारं चित्वा संशयमर्पय सारं चित्वा संशयमर्पय सारं संतत मंतर भज त्रिपुराम्बा शशांक कोटि सदृश मुख बिंबा पश्याहर्निश महमिदमखिलं विगलित द्वैतं विरज विपापं द्वैतं विरज विपापं परसंवेत्र सलहरी रूपं परसंवेत्र सलहरी रूपं संतत मंतर भज त्रिपुराम्बा शशांक कोटि सदृश मुख बिंबा संतत मंतर भज त्रिपुराम्बा शशांक कोटि सदृश मुख बिंबा
जगदोधारिणी मा जगदो वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविंदा नीलकंठ सुंदर
दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय मंगलकारिणी माता जय जय दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय मंगलकारिणी माता जय जय माधव हृदय प्रबोधिनी जय जय माधव हृदय प्रबोधिनी जय जय मधुकैटभमति मोहिनी जय जय मधुकैटभमति मोहिनी जय जय कमलोद्भव परिपालिनी जय जय कमलोद्भव परिपालिनी जय जय करुणा विग्रहधारिणी जय जय करुणा विग्रहधारिणी Yeah.
असुर संहारिणी जय जय महिषासुर संहारिणी जय जय सुर नर मुनि वरदायिनी जय जय सुर नर मुनि वरदायिनी जय जय रक्तबीजवधकारिणी जय जय रक्तबीजवधकारिणी जय जय विनाशिनी जय जय सुरथ मनोरथ पूरणी जय जय सुरथ मनोरथ पूरणी जय जय मंगलकारिणी माता जय जय मंगलकारिणी माता जय जय नमः पार्वती पदये हर हर महादेव श्रीमद् पांडुरंगाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक श्रीमत आनंदाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक श्रीमत परिज्ञानाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक श्रीमत चतुर्या शंकराश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक श्री चित्रापुर मठाधीशांक श्री चित्रापुर मठ संस्थानेक श्री चित्रापुर गुरु परंपरेक देवी श्री भवानी शंकर देवाक देवी दुर्गा परमेश्वरी मातेक श्री वल्ली भुवनेश्वरी मातेक श्री राजराजेश्वरी मातेक देवी एकवीरा मातेक नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्रीमद् परिज्ञानाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक श्रीमद् शंकराश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक श्रीमद् परिज्ञानाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक श्रीमद् शंकराश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक श्रीमद् केशवाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक श्रीमद् वामनाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक
श्रीमद कृष्णाश्रम स्वामी सद्गुवर्यांक, श्रीमद पांडुरंगाश्रम स्वामी सद्गुवर्यांक, श्रीमद आनंदाश्रम स्वामी सद्गुवर्यांक, श्रीमद परिज्ञानाश्रम स्वामी सद्गुवर्यांक, श्रीमद चतुरा शंकराश्रम स्वामी सद्गुवर्यांक, श्री चित्रापुर मठाधीशांक, श्री चित्रापुर मठ संस्थानेक, श्री चित्रापुर गुरु परंपरेक, श्री भवानी शंकर देवाक, देवी दुर्गा परमेश्वरी मातेक, श्री वल्ली भुवनेश्वरी मातेक, श्री राजराजेश्वरी मातेक, देवी एक विना मातेक, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, श्री मात्रे नमः। आईची आम्ही ही धर्मसभा सभा प्रारंभ प्रार्थनेन सुरुवात करूया। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सुनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। आयच कार्यक्रम सुरुवात करू का? हाँ, सानिका बळवळीक विनंती करता कि मुखार येऊ का म्हणून। सॉरी फॉर द डिले। आता परमपूज्य स्वामीजींगल हस्ते सारस्वत समूह गीत समूह गान हाचे विमोचन जातलं। हे गीत शैलजा पाचीन बरेल्या आणि हाका संगीत हे मीरा बलसावर पाचीन दिल्या। स्टुडिओन तू हाज अरेंजमेंट केदार पंडित मामन केल्या आणि ह्या प्रोजेक्टाची जबाबदारी ही सुधीर बळवळी मामाला आशिली। ह्या गीतांतू सिंग केलेल युवा जसं ती अमित सवकूर, आर्या धारेश्वर, अश्विन कालथोड, धृतिमन पडबिद्री, दिव्या बिजूर, शर्मिला नागरकट्टी, सिद्धार्थ अडूर आणि वैष्णवी बळवळी। हांव ह्या सर्वांक विनंती करता की त्यांनी मुखार येऊ का विमोचन खातेरी। आता आम्ही सारस्वत समूह गान ऐकतली। गुरु शक्ति से बंधे हैं हम सब।
शांति का अंधेरा हृदय कमल में जगा सवेरा साधना क्रम के नित नव रंग में साधना क्रम के नित नव रंग में झूम उठा संसार सो दिस वॉज सारस्वत समूह गान. आत्ता हांव आमगल धर्म प्रचारक डॉक्टर चैतन्य गुलवाडी मामाक रिक्वेस्ट करता की तांणी आमकां शिव सायुज्यम साधने बद्दल माहिती दिवंक.
ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, श्री मात्रे नमः। दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूल निवासिने ध्यानैक निरतांगाय नमो रुद्राय शंभवे। मस्त खुशी जाता असं सांगूक, ही घोषण करूक की स्वाम्यांक तुम सगळ्यांक घोत तसंची स्वाम्यांक गेल्या षष्टाब्दी पुर्तीच उत्सव लागी येत असं, वर्स वरस लागी येत असं, आणि तो विजृंभणेन साजर करचो म्हणून आम्ही ठरयला आणि स्वाम्यान आमकां अनुमती दिल्या। आणि कशी की सायुज्यम हे दोन वर्स मागशी आम्ही केलेल की तशीच ह्या उत्सवाक शीर्षक शिवसायुज्यम म्हणून हे स्वाम्यांनी अनुमती दिल्या। सो हाका शीर्ष बड़ी खुशी होती है ये घोषणा करने में कि परम पूज्य स्वामी जी की षष्टाब्दी पूर्ति उत्सव जो है हम अभी मनाने जा रहे हैं इस साल में, तो इस उत्सव का शीर्षक होगा शिव सायुज्यम। तो इस उत्सव का प्रारंभ होगा 21 नवंबर तिथि प्रकार से, नवंबर 2023 से लेकर एक साल तक एक वार्षिक उत्सव होगा ये। तो उसी दिन 24 नवंबर को समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा अगले साल 2024 में। तवळी 21 नोव्हेंबराक त्या वेळारी परम पूज्य स्वाम्यांगेल सहवासु थंय अरण्य कुटिरांत गोमांतक गोवांत अरण्य कुटिरांत आसतलो, थंय थंय कार्यक्रम आसतलो, चंडिका होम इत्यादी आनी थंय धर्मसभ जातली। थंय आमी सगळे समाजा वतीन संकल्प घेतली ह्या उत्सवा खातीर। त्यावेळ तुमकां गोत तसोची ह्या ज्या उत्सवाच्या वैयक्तीक साधनेचेरी कितलं महत्व दिता ती परमपूज्य स्वामी प्रति प्रवचनांत प्रति आशीर्वचनांत कितलं महत्व दिता ती तें तुमकां गोत तसोची। तसल मिती आमी ह्या साधनेन तूं दोन भाग केला, ती वैयक्तीक साधना आणि सामूहिक साधना। वैयक्तीक साधनेन तूं प्रथमतया प्रतिनित्य ह्या तीन स्तोत्रांचे पठन करका, तीन स्तोत्रांचे पठन, प्रथम श्री गुरुभजन स्तोत्रम, मागीर दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रम आणि भवानी भुजंग प्रयात स्तोत्रम, देवी गेल भवानी भुजंग प्रयात स्तोत्रम हे प्रतिनित्य हाजे पठन जावंका प्रत्येक साधकान करका। प्रतिनित्य गुरुभजन स्तोत्र, दारिद्र्य दहन स्तोत्र और भवानी भुजंग प्रयात स्तोत्रम का प्रतिनित्य पठन करना जरूरी है। तत्पश्चात वैयक्तिक जप करच्याक कितलं महत्व देतात त्यावेळी तुमकां गोत असं स्वामी जी, जप वाडया ती म्हणून पुन्हा पुन्हा तुमकां सांगत असता ती, आमकां सगळ्यांक सांगत असता ती। तसं मी ती तुम्ही कितलं जात तितलं माळ कोरकात तुमगेल नित्याचे जपा वेळारी। तशीची सांज सुद्धा हात पाय धुवन हात पाय तोंड धुवन पुन्हा एक पंथ बैसून सांजेचे तुमकां कितलं जात की तितलं माळ जप कोरका हे दुसरो भाग। कोण मंत्रदीक्षा घेयनी की तांणी शिवपंचाक्षरी मंत्र म्हणजे ओम नम शिवाय ह्या मंत्राचो जप करूयात। तिसरी म्हणारी तिसरा भाग प्रति गुरवारा ब्रस्तारा प्रत्येकड्यांनी घारा गुरुपूजन करका, प्रति गुरवारा गुरुपूजन करका। कोणाक करू येना की तांणी शिकयत आमगेल्या वेबसायटारी व्हिडिओ असं स्क्रिप्ट असं, तो प्रति हर गुरुवार को आपको अपने घर में गुरुपूजन करना है। आप लोगों ने सभी पिछले बार तो सायुज्यम में ऑनलाइन पूजन हुआ करता था, गुरुपूजन हुआ करता था, तो बहुत लोगों ने सीख लिया है। जिन्होंने नहीं सीखा है वो आज भी
वेबसाइट पर जाकर गुरु पूजन सीख सकते हैं। गुरु पूजन का वीडियो है, गुरु पूजन का स्क्रिप्ट भी है। है जाला है वैयक्तिक साधना, तीन भाग, स्तोत्राच पठन प्रतिनित्य, आमगल जप वाढवचो, सांजेचे जप करचो आणि प्रति गुरुवारा गुरुपूजन करचे। मागीर सामूहिक साधना, सामूहिक साधना आम्ही त्या आयोजमान कश केलेल की तशीची आम्ही सभा ग्रुप्स केलेल त्या वेळारी, तशीच तीन सभा ग्रुप्स कंटिन्यू जातली आणि त्या एक एक तिसरा आयतारा प्रति महिन्याच्या तिसरा आयतारा रविवासरे गुरुपूजन ऑनलाईन गुरुपूजन जातला त्या त्या ग्रुपाचे। तशीच दुसरं म्हणारी अभिव्यक्ती, तुमकां गोत सस्का प्रति वर्स तालमकीवाडी ग्रँड रोड हांगा भगवद्गीता कॉम्पिटिशन जाता, ताजे वटूची अभिव्यक्ती करतात आमी, अभिव्यक्तीचे कार्यक्रम जाता। सो है अभिव्यक्ती, आत प्रत्येक सभेन प्रति महिन्यान तू एक पंत ऑनलाईन तांगल इंटरनल ऑनलाईन किंवा येऊन खं थं तांगल स्थळ असला रे तांगल जाग असला रे वटू मेळ न्हू एक जाग्यारी अभिव्यक्ती करका, मेळू जायना म्हणून जाल्यार ऑनलाईन करूयात, जाल्यार प्रत्येक सभा ग्रुपान तांगल अभिव्यक्ती करका, ताजे टॉपिक्स आम्ही तुमकां दितली। तशीची सायुज्यमान तू ऑनलाईन विमर्श जाताला, सो त्या विमर्श आम्ही मस्त पॉप्युलर आशिल त्या विमर्श, तसं मी ती आम्ही तशीची त्या त्या ग्रुपाक प्रति महिन्यांत एक पंत विमर्श पुनः सुर करतस ती। तो यही बताना था, सामूहिक साधना में ऑनलाईन गुरुपूजन होगा, ऑनलाईन अभिव्यक्ती भी होगी, इसके बारे में हम आपको सूचित करेंगे, और ऑनलाईन विमर्श भी होगा, और हमारे उत्तर भारत के जो सारस्वत बंधु हैं बांधव हैं उनके लिए हमने तीन साल पहले सत्संग किया था, तो उसी कार्यक्रम में उसी वैसा ही कार्यक्रम हम पुनः आरंभ करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स के लिए पुनः शुरू करेंगे, पुनः उसका आरंभ करेंगे सत्संग का। आपने आप लोगों को पता होगा गिरीश जी हैं यहाँ पर, हाँ, तो उसी प्रकार का सत्संग पुनः आरंभ करेंगे दूसरे ग्रुप्स के लिए, और ऑनलाइन कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुआ करेंगे हर महीने में, जैसे हमने इंद्रधनुष का कार्यक्रम किया था उसमें आप बहुत लोगों ने सहभाग लिया था उसमें, तो उसी प्रकार हम प्रति मास प्रति हर महीने में हम कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते रहेंगे। बस इतना ही, धन्यवाद। यह अनाउंसमेंट वेबसाइट पर आ जाएगा, कुछ ही दिनों में आपको दिखाई देगा, और हम ये जो स्तोत्र हैं उसके लिंक्स भी हम अनाउंसमेंट में देंगे, और बहुत बड़ी खुशी होती है, स्वामी जी ने हमारे शिव सायुज्यम के लिए एक लोगो भी चुन लिया है, तो लोगो भी आ जाएगा उसी अनाउंसमेंट में। धन्यवाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। Thank you, Chaitanya Ma'am. As Chaitanya Ma'am just mentioned, हमारे साथ आज उत्तर भारत से गिरीश सारस्वत जी है, और मैं उनको विनंती करती हूँ कि वो मंच पर आए और दो शब्द कहें।
श्री गुरुभ्यो नमः श्री भवानी शंकराय नमः श्री मात्रे नमः परम पूज्य स्वामी जी के पावन चरण कमलों में सादर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नवरात्रि दशहरा के इस महोत्सव के शुभ अवसर पर परम पूज्य स्वामी जी के पावन सानिध्य में और आप सभी सारस्वत भाई बहनों के बीच आकर परम आनंद की अनुभूति हो रही है। स्वामी जी के चरण कमलों में ये सदैव प्रार्थना मेरी रहती है कि मठ के द्वारा संचालित जो भी आयोजन धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें आने का अवसर सुअवसर सौभाग्य मुझे प्राप्त होता रहे और स्वामी जी की अनुकंपा से ये क्रम अब निरंतर जारी है और जारी रहेगा। परम पूज्य स्वामी जी के प्रथम बार दर्शन मुझे उत्तर भारत में ही 2017 में हुए और जब मैंने प्रथम बार दर्शन किए तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि हमारे समाज की सारस्वत समाज के कुलभूषण धर्म ध्वजाधारी इतनी तपोनिष्ठ विभूति हमारे बीच है और 50 वर्ष से ज्यादा की उम्र हो गई हमें पता ही नहीं है। उसके बाद सौभाग्य से शिराली में एक आध्यात्मिक शिविर में आने का सौभाग्य फिर प्राप्त हुआ और फिर स्वामी जी के दर्शन हुए और उन दर्शनों के बाद उसी दिन से मैंने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे उस दिन का इंतजार होगा कि जब मुझे जैसे अधम व्यक्ति को आपका शिष्यत्व प्राप्त होगा गुरुदेव की कृपा से। क्योंकि विचार मन में आने लगे कि 50 वर्ष से अधिक की आयु तो ऐसे ही निकल गई, कोई सद्गुरु है ही नहीं। और फिर गुरुदेव की कृपा से 2019 में चातुर्मास के दौरान मल्लापुर में मुझे मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन आया और मुझे गुरुदेव भगवान का शिष्यत्व प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो मेरी अनुभूति हैं, यूँ तो अनुभूति व्यक्तिगत अनुभव का विषय रहते हैं लेकिन जो मैंने स्वयं अनुभव किया कि जो बात गुरु चरणों में है वो कहीं और नहीं, जो बात गुरु चरणों में है वो कहीं और नहीं, अभी तक मैंने किया क्यों गौर नहीं, इतने वर्ष बीत गए। जो बात गुरु चरणों में है वो कहीं और नहीं, अभी तक मैंने किया क्यों गौर नहीं, अब नहीं लगता कहीं मन मेरा गुरु चरणों के अलावा अब कोई ठौर नहीं गुरु चरणों के अलावा। चित्रापुर सारस्वत समाज जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति के आधार स्तंभ गुरु परंपरा का जिस निष्ठा सेवा समर्पण के साथ परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के कुशल मार्गदर्शन में संचालन कर रहा है वह बहुत ही अनुकरणीय है, मैंने कहीं ऐसा अन्यत्र नहीं देखा। और उसके लिए आप सभी चित्रापुर सारस्वत समाज के भाई बहन बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं भी एक सारस्वत हूं और मैं बस इनके पास आता रहूं, प्रभु चरणों में आता रहूं और ये क्रम जारी रहे। प्रभु की कृपा से भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ये क्रम जारी है, आध्यात्मिक शिविर आते रहे,
लोगों की उत्कंठा जागृत होती रही। जैसे जैसे उत्तर भारत के लोगों को पता चला कि हमारा सारस्वत मठ है और सदगुरुदेव भगवान है, हमको भी जाना है, कई आध्यात्मिक शिविर हुए। और उन आध्यात्मिक शिविरों के बाद परम पूज्य स्वामी जी के दर्शनों की, उनके मुखारविंद से प्रकट होने वाली करण प्रिय ध्वनि को सुनने की इतनी तीव्र लालसा है उत्तर भारत में कि जब हम कहते हैं कि कोई शिविर शिराली जाने वाला है तो हम जब लिमिट 60 की फ्रीज करते हैं तो 600 हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर उन्हें कहना पड़ता है नहीं नहीं स्वामी जी को यहीं बुलाएंगे, हम इतने लोग कैसे जाएंगे वहाँ पर। और फिर हम स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि स्वामी जी कभी बच्चे एग्जाम्स की वजह से नहीं आ पाते, कुछ बुजुर्ग हैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं आ पाते, तो जो कृपा हमारे सदगुरुदेव भगवान की मिलती है हम पर वहाँ भी कृपा बरसाने आ जाते हैं। और उत्तर भारत में भी उनके कई शिविर हुए हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, दिल्ली, राजस्थान के बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, पुष्कर, भीलवाड़ा, जोधपुर सहित कई स्थानों पर जहाँ पर भी स्वामी जी के आशीर्वचन हुए हैं, जहाँ पर भी स्वामी जी के चरण कमल पड़े हैं, आज उन सभी क्षेत्रों में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। संस्कारों का बीजारोपण हो गया वहां पर और लोग उत्सुक हैं इस परिपाटी इस परंपरा से जुड़ने के लिए। यहां देखते हैं कई लोग आजकल तो YouTube चैनल के माध्यम से भी जगह जगह प्रसारण हो रहा है, हमें जब लिंक मिलता है तो हम उसे पूरी जगह सब जगह भेज देते हैं। लेकिन जो धार्मिक आयोजन मुख्य आयोजन मठ के होते हैं उसमें मुझे लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, कि YouTube चैनल पे तो केवल देख सकते हैं प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो उनके चरणों में यहाँ भगवान भवानी शंकर के चरणों में सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके जो आनंद अनुभूति होती है वो YouTube चैनल पे तो नहीं हो सकती, और वो तो यही परम आनंद प्राप्त हो सकता है। और उन लोगों के लिए मेरा संदेश है, एक गुरु भाई होने के नाते, कि इष्ट मंत्र का जप और गुरु चरणों का ध्यान हमारा काम है, इष्ट मंत्र का जप और गुरु चरणों का ध्यान हमारा काम है, और जहां पे हमारे गुरुवर वही हमारा धाम है, वही हमारा धाम है। जहां भी हो गुरुवर दौड़े चले आओ, ऐसे मानव जीवन है, बड़े भाग्य से मिला उसमें भी इतने उच्च कोटि के सदगुरु, फिर भी चूक जाओ, इतनी समृद्ध गौरवशाली गुरु परंपरा, सारस्वत समाज की गुरु परंपरा, सारस्वत समाज के अलावा भी जो साधक हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान के, उन सब के लिए भी संदेश है कि जो भी मुख्य आयोजन कार्यक्रम होते हैं उनमें जो अनुभूति है वो यहाँ आकर ही होगी। हमें तो सदगुरुदेव भगवान को सुनना है, लेकिन मैं एक अपना अनुभव कि बच्चों में किस तरह से संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करके फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रभु कृपा से इसी जुलाई में जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव हुआ तो गुरु चरणों में प्रार्थना थी कि पूरा परिवार आ सके, क्योंकि कभी बच्चों के एग्जाम से कभी कुछ, अल्टीमेटली मुझे अकेले भेज दिया जाता था। हालांकि मेरे लिए वो भी प्रसन्नता का विषय होता था कि मुझे अकेले ही भेजो, बार बार भेजो, तो इस बार परिवार को आने का अवसर मिला, पूरे परिवार को, साथ में छोटी बेटी थी वैभव भी, सारस्वत उसका नाम है, 11 साल की है। अब वो जब वहां आई तो उसने देखा कि पादुका पूजन हो रहा है, तो पूछा पापा ये क्या हो रहा है। मैंने बेटा ये पादुका पूजन हो रहा है, इससे क्या होता है कि गुरुदेव के चरण कमल है, भगवान है, और बड़ी आत्म शांति मिलती है और भगवान की कृपा मिलती है, सारे कष्टों से निवृत्ति मिलती है, तो करिए एक ले चलो यहाँ से, फिर घर ले चलो, क्योंकि ये लोग तो बड़े लकी हैं,
ये सारे लोग तो बड़े लकी हैं, ये तो सब आसपास रहते होंगे सराली के, ये तो चाहे जब आ जाते होंगे सतगुरुदेव भगवान के पास, गुरुजी के पास, क्योंकि मठ है यहाँ, या फिर एक मठ वहाँ बना लेते हैं। मैंने कहा बेटा ये भी संभव नहीं है। खैर वो सारी प्रक्रिया को देखती रही और उसके बाद में उसके बाल मन में जो भी आया, परम पूज्य स्वामी जी अपने आशीर्वचनों के बाद, तीर्थ वितरण के बाद जब कुटीर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो हमें नहीं पता, वो देख रही होगी पीछे पीछे थोड़ा सा गई और उसके बाद में उसने देखा कि स्वामी जी जहाँ जिस मार्ग से जा रहे हैं अपनी चरण पादुका खड़ाऊँ पहन करके, उसके नीचे कुछ छोटे से स्टोन्स आए होंगे और उसने उठा लिए और वो लेकर के मेरे पास और अपनी माँ के पास आ गई कि देखो मैं क्या लाई। मैंने ये क्या है कि ये चरण पादुका है मतलब। अरे स्वामी जी का प्रत्यक्ष रूप से तो हम स्पर्श कर नहीं सकते और आपने कहा कि ये खड़ाऊँ ले नहीं जा सकते, तो ये सिराली मठ है, यहाँ आते हो आप, बार बार आते हो, तो स्वामी जी की चरण पादुकाओं से स्पर्श ये जो पत्थर हैं छोटे छोटे सिराली के, इनको हम घर में ले जाएंगे, मंदिर में स्थापित करेंगे और चरण पादुका की तरह इनकी पूजा रोज सतगुरुदेव भगवान की करेंगे। उस दिन मुझे लगा कि परिवार को और बच्चों को भी साथ लाना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो युवधारा है, युवधारा में भी बच्चे हैं, लेकिन युवधारा से पहले के जो बच्चे हैं उनको हम इस तरह से साथ लाएंगे तो वो भी प्रशिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे, इस तरह की भावना उनमें आएगी और फिर वो युवधारा एक दिन पूरे भारतवर्ष में, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, पूरे भारतवर्ष में, सभी दसों दिशाओं में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वो युवधारा युगधारा बन जाएगी। और वो फिर जब युगधारा बनेगी पूरे भारतवर्ष में, जो कि मेरी भी इच्छा है उत्तर भारत के प्रतिनिधि के नाते, क्योंकि मैंने तो ये संकल्प ले लिया है कि बाकी की जो चीज़ें हैं वो सब चलती रहेंगी, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मुझे नहीं पता, उनके चरणों में छोड़ दिया है, लेकिन हाँ जितना जीवन है यदि गुरु परंपरा को बढ़ाने के लिए गुरु चरणों की सेवा में समर्पित कर दिया जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो उसमें मैंने कुछ भाव उसमें लिखे थे, क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं तो जब जा रहे होते हैं तो हमें फिर ये इस बात का इंतजार होता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ द मठ, अब क्या होगा, फिर आएंगे, और जब फिर आने की लालसा होती है तो मन में फिर एक विचार आता है जिसको मैंने लिपिबद्ध किया है कि गुरुदर पे फिर आने को, गुरुदर पे फिर आने को मैं वापस जाता हूं हर बार, गुरुदर पे फिर आने को मैं वापस जाता हूं हर बार, गुरुवर ऐसा बर दो ना जाना हो बार बार, ना जाना हो बार बार, ना जाना। और जैसा कि मैंने कहा कि ये युवधारा, बस एक आधा मिनट के अंदर ही मैं कंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अपने भाव जरूर गुरु आज्ञा थी तो व्यक्त करने थे अपनी भावनाएं, लेकिन गुरुजी को सुनना है, बस वही है मुख्य कारण। तो ये जो मैंने कहा कि युवधारा युगधारा बनेगी तो किस तरह से वो परिलक्षित होगी वो पूरे भारतवर्ष में और हर कोने से, हर गली से, पूरे सारस्वत समाज से, पूरे प्रदेशों से जो एक आवाज आएगी उस युग धारा को सुनने के बाद, फिर मुझे तब गुरु चरणों में ये समर्पित करना है कि हाँ गुरुदेव अब मैं संतुष्ट हूँ, मुझे और वर दीजिए कि मुझे क्या करना है, और वो मैं आवाज़ पूरे भारतवर्ष के गुरु कृपा से, पूरे भारतवर्ष के हर प्रांत से, हर जनपद से, हर सारस्वत मुख से और हर स्वामी जी के साधक से, शिष्य से सुनना चाहता हूँ, और वो है मेरे साथ ये आवाज़ आप लगाएंगे, जय जयकार है आपकी ही, यहीं की जय जयकार है, लेकिन मुझे इन्हीं शब्दों में बोलिए कि ये पूरे भारत वर्ष में गूंजे कि श्रीमद पांडुरंगाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक, श्रीमद आनंदाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक, श्रीमन परिज्ञानाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक,
श्रीमत सद्योजात संक्राम श्रम स्वामी सदगुरु वर्यांक, श्री चित्रापुर मठासी मठाधीशांक, श्री चित्रापुर मठ संसानक, श्री चित्रापुर गुरु परंपरे का, श्री भवानी शंकर देवा का, श्री दुर्गा परमेश्वरी माते का, श्री बल्ली भुवनेश्वरी माते का, श्री राज राजेश्वरी माते का, श्री इकबरा देवी माते का, और अंत में हम सभी एक साथ ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरा प्रत्येक शब्द अच्छा बुरा जो भी है, मैं जैसा भी हूँ, गुरु का हूँ, तो गुरु चरणों में सादर समर्पित है। कोई त्रुटि हुई हो तो गुरुवर माफ करना, यही आपके चरणों में निवेदन है। धन्यवाद गिरीश मैम। मे आई नाउ इनवाइट श्री प्रवीण कडले मैम, प्रेसिडेंट स्टैंडिंग कमिटी, टू एड्रेस टुडेज गैदरिंग। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, श्री मात्रे नमः। गिरीश जी, कल कोंकणी शब्द आयो। सो गिरीश माम सॉरी, कल हम प्रैक्टिस कर रहे थे, आप मेरे साथ कोंकणी में बात करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वही 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 तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2 साल में अगर हमने आपको यहाँ बुलाया, तो हमेशा बुलाएंगे ही, तो आप कोंकणी में आपका भाषण देंगे, मुझे तो पूरा विश्वास है। कीप द प्रोग्रेस ऑन। और आपको ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन है चित्रापुर सारस्वत समाज की, वो लीगल कोर्ट की तरफ से हुई है, तो हमें कुछ वो हिसाब से लीगल डेफिनेशन के हिसाब से हमें चित्रापुर सारस वगैरह डिस्टिंक्शन करना होता है। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि आप अलग कोई हैं, आप तो हमें हमारे जैसे ही सारस्वत ही हैं। और आज जो स्थिति आई है पूरे हिंदुस्तान में कि सब सारस्वत, सब हिंदू एक होना चाहिए, तो मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसे ही रहे हमारे संबंध। और आप ऐसा मत समझिए कि आप और हम में कुछ फ़र्क है, जो लीगल भाषा है वो लीगल भाषा से कुछ अलगता आएगी, लेकिन हम तो एक ही हैं। सो जस्ट वॉन्टेड टू, सॉरी स्वामी जी, आई जस्ट रिएक्टेड टू हिज कॉमेंट, बट आई वॉन्टेड टू से दैट दिस वॉज रियली ग्रेट फीलिंग। आपने हमारा उत्साह बढ़ाया, सबका उत्साह बढ़ाया। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने फर्स्ट डे बताया था 15 अक्टूबर को कि हमारे युवाधारा ये साल का नवरात्रि का जो प्रोग्राम है वो करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो आई मस्ट से दैट युवाधारा हैज़ डन एन एक्सलेंट जॉब। युवाधारा कले विंगड सांका मंडलागनी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज कि तंका कॉन्फिडेंस आशिलो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आशिलो, एट द सेम टाइम तंका ह्युमिलिटी आशिली कि खं कळना थं येवन तानी आमकां एडवायस घेतलो टाइम टू टाइम। सो दीस इज वन ऑफ दीज इयर्स 2023 नवरात्री फेस्टिवल विच वॉज सेलिब्रेटेड हियर इन कार्ला विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। सो आदित्य मॅम, Mohit ma'am and all your colleagues, a big, big, they deserve a big clap.
आमगेल्या चैतन्य धर्मप्रचारक चैतन्य ममान सांगलें की आमी 21 नोव्हेंबर दोनू शिवस आयुज्यम सेलिब्रेट करतली, एक वर्स टील नेक्स्ट 24 नोव्हेंबर आमी सेलिब्रेट करतली. गोव तुमी येया ती. ऑफकोर्स थंय अरण्य कुटीर आमगेल्या रुल्सा प्रमाणे आमकां फक्त एक अरण्य कुटीर मात्र बांदू जालें आनी कले थंय रापची सोय ना. जंय तुमी जरूर येया ती आनी सेलिब्रेशनांत पार्ट घेया ती. दीस इज अ बिगिनींग ऑफ दी 1 इयर ऑफ शिवस आयुज्यम. सगळ्यांनी तुम्ही पार्ट घेवंका आनी हें वरस शिवस आयुज्यमाचो वरस एकदम बरें हांत तूं सेलिब्रेट करका. सो एंड देन ऑफकोर्स वील बी मेकींग दी अनावंसमेंट फ्रॉम टायम टू टायम इन टर्म्स ऑफ वॉट दी प्रोग्राम वील कायंड ऑफ डेवलप इन टू ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स. आतां हांग आज सकाळीं आरोग्य धाम म्हूण आशिल्लें. कितलीं वरस दोन आशिल्लें तें आरोग्य धाम. ताका कल्ले आरोग्य धाम म्हणटाले त्यावे गोत नाशिल्लें. कोण की कलकी टॅक्स एक्झम्पशन मेळटलें म्हणलें कोण कलकी आरोग्य धाम म्हण नांव दिलें. जाल्यार स्वामीजींक पयलो न्हू मन आशिल्लें की हें नांव सुटेबल ना. आनी आजी एक ते 3-4 वर्स दोन आमी प्लॅन करता आशिल्ली आनी आजी तें जाल्लें. नांव तुमी पळयलें आसका की सकाळीं ताजें वीथ न्यू नेम द सेम बिल्डींग हॅज बीन इनॉग्रेटेड वीथ परिज्ञान सहवास. सो हांव मगल आनी आमी कितलीं जाण मगल कलिग्स ट्रस्टीज आसा ते आमी केन्नाय दर वर्स ऑर एवरी फंक्शन आमी उलयता आसता ते की संवीत सुदा आनी संवीत सुदा हॅज बीन डुईंग अ ग्रेट जॉब इन वुमन एम्पावरमेंट अँड आय एम व्हेरी हॅपी टू अनाउन्स दॅट दीस इज दी 25th इयर. दे हॅव कम्प्लिटेड 25th इयर ऑफ संवीत सुदा. सो आय एम क्वाईट शुअर की संवीत सुदा आणि मुखार वाढतं वतलं. दे क्रॉस्ड 1 करोड रेव्हेन्यू. ऑफकोर्स दीस इज नॉट अ कमर्शियल ऑर्गनायझेशन. सो वेन आय से दे क्रॉस 1 करोड रेव्हेन्यू, इट्स बेसिकली वॉट दे आर डुईंग इज दे हॅव क्रिएटेड अ फंड ऑफ 1 करोड टू सपोर्ट अवर रुरल वुमन फोक इन अँड अराउंड शिराली. सो दीस अमाऊंट टेक्निकली मे बी कॉल्ड एज रेव्हेन्यू, बट दीस इज ॲक्च्युली गोईंग टुवर्ड्स दी सपोर्टिंग अवर लेडीज देअर इन शिराली. सो टोटल नंबर ऑफ परिमोचन आणि संवेद सुद्धा आणि HMPP आणि ह्या सगळे मेळ न्हू ऑलमोस्ट 1000 फॅमिलीज शिराली आणि नियर बाय विलेजीसांत तूं यू कॅन काउंट 1 फॅमिलीज कन्सिस्टींग ऑफ ॲटलीस्ट 4-5 पीपल. सो अबाउट 4-5,000 पीपल आर बेनिफिटेड अँड हॅपी टू अनाउन्स द सिल्वर जुबली दे आर अनाउन्सिंग. आणि तुम्ही घेतवच आता युअर सपोर्ट इज गोईंग टू हेल्प दीज लेडीज इन टर्म्स ऑफ एज्युकेटिंग देअर यंग चिल्ड्रन. अँड आय मस्ट टेल यू व्हेरी प्राऊडली वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ दॅट फॅमिली हॅज गॉट अ जॉब इन इन्फोसिस एज एन इंजिनियर. सो मुखारलें आमगेलें जनरेशन अँड वी नीड ऑल दीस पीपल लायक इंजिनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स. सो मातशी फक्त सिटीजांत थोन मात येतले जाल्यार आतां सान गांवांत थोनूय येतली. आनी संवीत सुद्दां इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टंट रोल. परिज्ञान फाउंडेशन इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टंट रोल अँड यू कीप ऑन सपोर्टींग. एक तुमी हाने आतां चैतन्य मामान एक सांगलें की सायुज्यमान तुमी एवरी डे कल करता म्हणून एवरी. तशें हांव एक सांगता की एक वर्सान तुमी एटलिस्ट 5,000 तरी रुपयाचें सामान घेया ती संवीत सुद्दां लागतात. सो दॅट वील गो इन अ बीग वे. मेक इट एज अ युअर कमिटमेंट टुवर्ड्स परिज्ञान फाउंडेशन बाय एटलिस्ट 5,000 रुपीज वर्थ ऑफ मटेरियल फ्रॉम संवीत सुद्दां. आय एम सो इट वील बी ग्रेट हेल्प टू दी विलेजर्स देर. आनी कल सांगू स्वामीजी आतां हांग थांव न्हू अनफॉर्च्युनेटली एक हांग वचचें आशिल्लें माउंट अबू स्वामी हांगल प्रोग्राम एक इलेक्शन आचार संहिता म्हूण आयल्या आनी त्या आमी ती स्वामीजींक माउंट अबू वचूं जाय ना. बट स्वामीजी वील बी गोईंग टू तालमकीवाडी ग्रँटोट सभा. सो 2 दिवस पयलीं वतले. 6 तारखेक वचचें आशिल्लें 3 दिवस पयलीं वतले. सॉरी सो 3 तारखेक वतले. हांव इतलें रिक्वेस्ट करता ग्रँटोट सभेच्या लोकांक हांवें
ग्रँड टूट सभेचेच असतं. सो इट अप्लाईज टू मी. अशी टाळी वाजवू नका ती. बरे प्रोग्राम करा ती. सो स्वामीजी विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. सो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोन दिवस एक्स्ट्रा मिळाली की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्या. सो कीप दॅट इन माइंड. सो एनी वे आय विल कीप ऑन अनाउन्सिंग दी प्रोग्राम्स आयदर चैतन्य माम ऑर मायसेल्फ. सो विथ दॅट थँक्यू. आणि बॉम्बेन तू स्वामीजी येतस ती सॅटर्डे संडे दितस ती कला मी 3 तारखेतले 4 आणि 5 तारीख सॅटर्डे संडे. सो प्लीज डू कम. हंकार लायली जायनी तुमगेल काम. आता स्वामीजी सांगा ती गिरीश मामान म्हणा की हम तो संबंध बढाना चाहते तुम्ही तशी दवरा ती. सो तुमकां असल स्वाम्यावरी गुरू मेळ्या ती आमकां सगळ्यांक मेळ्या ती. सो तवळी आमगेल संबंध तशीची दृढ जावंका ती, स्ट्रॉंग जावंका ती. आणि इथलं सांगून हा मगल आय डोंट नो संक्षिप्त बट भाषण संपयत. थँक्यू प्रवीण माम. आता हा आदित्य चंदावरकर माम, चीफ कोऑर्डिनेटर युवाधारा आणि ह्या नवरात्री उत्सवाचो युवा कोऑर्डिनेटर, ताका हांव इनवायट करता की त्यांना आभार प्रकट करका आणि क्षमा याचना करका. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय, मंगलकारिणी माता जय जय. तीच दुर्गति नाश करतली आणि तीच आमगल आयुष्यांतू मंगल थाडेतली. तिगल ह्या नाना स्वरूपांच्या परे जाऊन आशील शक्तीचे अनुग्रह प्राप्त करच भावनेने आम्ही सर्व साधकाने ही नवरात्री हे नवरात्री सेव प्रारंभ केलेलं आणि आम्ही सगळे धन्य सती की आमकां अशी दिव्य स्थळारी सेवा करच परत परत अवकाश मिळता स्वामीजी. आणि ही सेवा आम्ही गुरुचरणी आणि देवीचरणी बरे रीते अर्पण जाव होच आमगेल प्रयत्न आशिल्लो. तांतू जे बरे रीतीन झाले ते आम्ही अर्पण करता ती. आणि ह्या सेवेन तू जे कले ज्ञाता अज्ञात चुक्यो झालेली असल्यारी ते आम्ही स्वाम्यांगल चरणी क्षम मागता ती. आणि त्यावे आम्ही देवीगल चरणी अर्पण करता ती. आणि तांतू आणि कले मुखारी सुधारणा करचे निश्चय करता ती स्वामीजी. तशीची स्वाम्यांनी दिलेल मार्गदर्शनानुसार युवधाराच्या खंचे सेवेन तू सहभाग जाऊचे अपेक्षित अस तांतू पूर्णत सहभागी जाऊन प्रयत्न करता ती सगळी. तशीची सगळे युवा चित्रपूर युवधारा तर्फेन स्वाम्यांक हांव आश्वासन दिता की आम्ही पूर्ण प्रयत्न करता ती की आम्ही खंचेय सेवा आम्ही पूर्ण अर्पण करता ती म्हणून. आणि स्वामीजी वन मोर थिंग आय वॉन्टेड टू ॲड, दिस इज द 15th इयर ऑफ चित्रापूर युवधारा अँड नो बिगर सेलिब्रेशन दॅन ऑर्गनायझिंग द नवरात्री उत्सव इन कार्ला. आणि खंचोय कार्यक्रम सगळ्यांगल सहभाग आणि योगदानाशिवाय साध्य ना. मस्त लोकांनी हो उत्सव उत्तमरित्या जावच्यान तू योगदान केलेलं आसा आणि ताजे आभार प्रकटन करचे अनिवार्य जावन आसा. सर्वप्रथम आय वूड लाईक टू थँक परमपूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजी फॉर हिज कंटिन्युअस गायडन्स अँड इन सम प्लेसेस मोटिवेशन वेअर यू नो वी कीप ट्राईंग फॉर बेटर continuous improvement and
try to achieve higher goals. KDPT and Street Trust trustees, Karla administration for allowing us and having the faith in us to organize this big program for the 10 days. The Vaidics, Gomta Ritene, Homa, Anibakich Pura Karikram Kelel Katira. The school for accommodation in for some of the UAs and other sadhakas. Kitchen staffer, Anushrava's website teams and social media teams for ensuring that the program reaches all the sadhakas who could not be here or be present here due to various reasons. The sound team, Baki Chipendola, lights, flower arrangements, Purai Bareritin Zalalti. Volunteers who have helped in making this program a success. All the sponsors who supported to ensure we could create this program. And all the sadhakas and sabhas for participating with great enthusiasm. Thank you. थैंक यू आदित्य माम. आता हाँ सर्वांगल तर्फे स्वामीजींक रिक्वेस्ट करता कि तानी आमका आशीर्वचन दिवनू कृतार्थ करका. वन रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज टेक अ मिनट एंड इन्श्योर दैट योर फोन्स आर आइदर ऑन साइलेंट और स्विच्ड ऑफ. कर्णस्वर्ण विलोलकुण्डलधरामापीन वक्षोरुहां मुक्ताहार विभूषणां परिलसद् धम्मिल्ल सम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजम् दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं मनुदिनं वन्दामहे मातरम् आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम् ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः श्री भवानी शंकराय नमः श्री मात्रे नमः. युवधारा वरुण, व्हाट यू कैन डू इज इफ देयर इज एनी सीनियर सिटीजन हु डजंट नो हाउ टू पुट इट ऑन है तो चिके वट्स ऑन हेल्प करें. देयर इज नो पॉइंट इन ग्लेरिंग वट्स और सम मोर अलर्ट पर्सन तुम पण आम्ही सांगना पण इमिडिएटली करका अनलेस स्पेशल परमिशन जाए कोणाक ऑफ ते साइलेंट करूया ना जैसे वरुण माम तक को सोतला जत नहीं थोड़े लोग क्या ना है आंसर रिसीव करो क्या था डिस्कनेक्ट. अटेंड टू दीज थिंग्स दे कैन बी डन वेरी इनकॉन्स्पिक्यूसली ऑल्सो एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी नेसेसरी थिंग. इट्स बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस वही के ना for you all also. It's been a great learning experience for me. Kitil gom zalla interaction a vela san kalle shikta iska stage chalvangel natak chalta sa audience basle anti amka thai khurchi am prayta sati ki pap karta sata ta san ta mic chike chang zalla thai zalla tang kalna prarthana work teachers pinkash kartani अनऑब्ट्रुसिवली कलकी म्हणून हगूर एक पाची थंय थन आणि हॉट स्टेज असल्या थंय थन सूर जातशील क्रॉल हगूर आणि हंग्यान आपण हगूर करू दोज वन अँड हाफ मिनिट्स एव्हरीबडी इज ओनली पेईंग अटेन्शन टू दॅट. इफ शी हॅड जस्ट वॉकड अप एडजस्ट कोण वचली कोण आईल मध्येन म्हणून सुद्धा कळच नाशिले वय न्ही. सो यू टू लर्न
पळेत सती. Why do we make the same mistakes? We can learn. So attend to this. कोणाक हेल्प जाऊं का तुम्ही कशु दाखांग तसत नो दाखा मे बी गोत ना जाऊ ना तंतु तुमगेल सेल्फ कॉन्शियसनेसेस ने ते संकोच मंडता वत्तल सहजता येऊं का शिव सायुज्यम म्हणत असत आम्ही सायुज्यम हरी एक आमगेल प्रयत्न असतंतु प्रयत्न करत असती ऐक्य जाऊं का ह्या जन्मांतूंची सायुज्य मुक्ती जाऊं का शिव सायुज्यम म्हणारी युअर डिफाइनिंग शिवतत्व निर्गुण निराकार अत्यंत शांत आशिल्ले हे सृष्टीचे परे जाऊन आशिल्ले हे शांत शब्द आय डिजुएटेड दी युवधारा मेंबर्स प्लीज डोंट तुम्ही शांत झाले म्हणाका ती थंड बैसात मग आय मे टेल यू बट शांत म्हणाका ती पॉईज जाऊ का एलर्ट जाऊ का शांत मग खं वचल गाडी म्हणून कळना आय वॉन्ट पॉईज अँड एलर्टनेस सो तशी झाल्या रे तर येऊ का मॅरी यू हॅव टू फील दॅट एक्सपिरियन्स दॅट पीस विद इन सो द बेस्ट कम्स आउट दिस अन एक्सपेरिमेंट स्वामी आणि एक व्यवस्था केल्या हंगाम का लॅबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट लीव युअर डोमेस्टीक कलस्ता किरकिऱ्यो थंय सोडा ती संस्कार मात्र घेऊन येतात ती वील डील विथ दॅम प्रोफेशनल कशी रायबलरी असता हे असता ते असता वय की ना मिटींग चलतं असं आम्ही सांगता ती यू आर एक्सप्रेसिंग समथींग समबडी आस्क्स यू अ क्वेश्चन चूक झाली आपणाली उलयतना ओ आय एम व्हेरी सॉरी म्हळ्यार घोटाळ जाता यू हॅव टू गो अराउंड इट एज दो इट वॉज नो मिस्टेक इट्स डेफिनेटली नॉट युअर्स अदरवायज यू प्रॉब्लम जावचे दॅट्स ऑल्सो अ स्किल हंग थंय करूं वचून हंग टोटली डिफरंट एक एटिट्यूडच आसता आय वॉन्ट टू ग्रो सो दॅट आय कॅन पार्टिसिपेट मोर इंटेलिजंटली म्हणून अँड वी इन्सिस्ट ऑन दॅट सो इंटरॅक्शन लास्ट कल जाता दॅट इज व्हेरी रिव्हीलिंग रिव्हीलिंग व्हेरी कोणी निपोवन चापडलेलें इट बिकम्स मोर रिव्हीलिंग आणि एक्सप्रेस करू पळयत असं डिस्कवरींग उलयत उलयत तांचो हांवें आपणाली चूक हाव डीड आय कॉन्ट्रिब्यूट टुवर्ड्स अ मिस्टेक दॅट हॅपन्ड ऑर समथींग म्हणून ते इंट्रोस्पेक्शन मनांत मनांत न्ही विमर्श जाता इंटरॅक्शनान तांतू जाता इतले एक सहज आता आम पळयल काली मस्त खुशी झाली स्वाम्यांक निश्चित एक प्रसन्नता जाल्ल्या आम्ही म्हणयेत आध्यात्मिक कार्यक्रम कल हांग चलतो असती तांतू सगळ्यांगेले पार्टिसिपेशन हे मुखावेल पिढी आता तयार जाऊन प्रस्तुत करत अस तांतूय मस्त आनंद म्हाका आयलो हय हे तर नोव्हेंबरांत उशिर आशिल्लें ते थंय ते इलेक्शन कोड आनी सूर जाल्ली मागीर आमकां करूं जायना उत्तर भारत चियात्र करतना तुम्ही पळया ती आम्ही सांगल्या आदित्य यू द रिप्रेझेंटेटिव्ह सो आदित्य चंदावरकर मामाक यू हॅव अ क्विक कल असता ओपिनियन ऑन युअर वॉट्सअप इफ दे आर विलिंग प्रवीण माम आय वॉज थिंकिंग बिफोर द यात्रा ऑर सबसिक्वेंट येतना विचार करून माउंट आबू वचून थंय एक शिबीर करून येवेद बिफोर वील बी इवन बेटर अँड दिस नोव्हेंबर इज ल्यूक वॉर्म जानेवारीन समर थंडी असता वेल्यार हांकां त्या वेळार व्हरची इच्छा सामकां तशी एक हांग पळया तुमी विचार करून सांगा ती मागीर आमी थंय नारायण गिरीजींक निमगून करूया टिबेटियन ते एक ते हांस न्ही तशी आयकत न्ही It doesn't disturb, it's very nice. Kal sangsh tumka. Kale. Maithili sang. Abhi jo aapne udgar vyakt kiye guru charano mein ityadi फिर आपका परिवार भी यहाँ पे आया शिराली तक आए अन्य लोगों को भी आप लेके आए
Incidentally, in that area, Agra, Mathura, and he stays in Ghaziabad. Zalyari, he's been elected as the kya aapki upadhi di gayi hai aapko? Pratinidhi nahi, adhyaksh. वहाँ के ब्राह्मण समाज के है ना. हाँ हाँ जी हाँ जी उत्तर प्रदेश सारस्वत ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष चुने गए हैं. सो ही फील्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दैट समाज ऑल्सो. सो सुमार लोकांक घेऊन आई अप्लाए थे तो उस समय समाज के सदस्यों को समाज के सदस्यों से मिलने का एक अवकाश प्राप्त हुआ. फिर आपने कहा था कई लोग हैं जो शिराली नहीं आ पाए शायद, तो उनके लिए यदि बाबा जी वहीं पर आए तो अच्छा है. तो भी यात्री की बात हो रही है. नहीं गल कल ना वैभवी गुरुचरण रज घेन चले ले भाई. बट वॉट शी वॉन्टेड हम क्यों नहीं गुरुचरण लेके जाएं. शी डजंट नो शी इज अ चाइल्ड. आई एम very attached to my charanas. My charana, I am also come. He knows what it means. Taking care of this. So, you can make it an occasional exercise. Otherwise, that sentiment is very important. So, child vangsode hi bhav nayata samskara zalyari. Zalyari ek samskara prasputit zaumchaka ek sthan zai. शिराली आईली कारला आईली तब वड़ते जल्लें कनेक्ट बसलें नाजल्यार आनी खाई कार्यक्रम केलेले असल्यारी हॉल आंतू आनी बरेंच इंटरॅक्शन जल्लें. बट ते एक स्थानाचे कॉन्टॅक्ट म्हणटा ती एक लिंक अँकरिंग जाता तें इट वूड नॉट हॅव हॅपन्ड. वही महिमा है इन मठों की इन स्थानों की. सही बात ना. बढ़िया से बढ़िया हॉल में भी ऐसे कार्यक्रम यदि आयोजित किए जाएँ बच्चों को संस्कार मिलेंगे पर हॉल से वो संबंध तो नहीं बन सकता. शिराली आए तब जाके हाँ ये मठ है तो इस प्रकार सा एक संबंध बनता है अनिवार्य है. तब वहाँ के जो जागृत हुई शक्तियाँ हैं देवताएँ हैं दैव हैं वो भी प्रसन्न होने लगते हैं. वो भी अनुग्रह करते हैं और तैयार करते हैं उस साधक को साधिका को. अब यहाँ पे इस बार आपने सुना देखा ही रिकग्नाइज युवाधारा कितल एक्टिव जाऊँ करता सा. धंधा शुरू किया फिर जाके लड़के को सौंपने का समय आया तो थोड़ा सा कुछ होता होगा ना. हाँ तो उसको हम मिनिमाइज करना करने का प्रयत्न करते हैं. हाजेरी तुम्हें विमर्श कर का पड़ता लो. आई टोल्ड यू आई लर्नड अ लॉट. So, Atamgal senior volunteers asati who have done so much, trained these youngsters also. And the youngsters have, Yuvadhara members have taken key positions, responsible. Pujej kaun sambharata, accommodation aaj kaun sambharata. So, the Yuvadhara members have accepted this responsibility for this Navratram. सो तांकां कशी गायड करचें कितल मोठाक इत्यादी तीं कशें दे आर लर्नींग रिलीजींग मुवींग बॅक सो यू कॅन पार्टिसिपेट मोर फुल्ली एज अ वॉलंटियर इन ऑल एक्टिविटीज विदाउट बींग बर्डन्ड ऑर रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिक्युलर एक्टिविटी. ही वे कला जिके फायन ट्युनींग तुमी कर कापडतले सिनियर वॉलंटियर्सांनी. सो इट्स अ लर्नींग प्रोसेस फॉर एवरीबडी. Hardly any teaching that happens. Learn. Antar lakshyam bahir drishti. Itlpura. Nimeshon mesha varjitamate ka samadhi cha shambhavi mudre cha lakshana. But sadhaka aksudain drishti bhairasta. Sagrachari drishti asta. Pudetaska. Za lakshya bhitarasta. Lakshya ha atma bala na karya kartaski. चिक्के एक मुखार्य उनो अहंकारान कार्य करता इसकी इत्यादि हैं. एक कांस्टेंट एक कल मंडता थी विजिलेंस हैज टू बी मेंटेन्ड. व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू डेफिनेटली व्हेन यू आर हैंडिंग ओवर समथिंग इट इज़ वेरी वेरी सटल. सो तंतु एक कोई परिष्कार
आम्ही सगळ्यांनी हाड कापडतालो. ही सगळी युवधारा कळलं बच्चू जसं ते आम्ही चॉकलेट देताली. दे आर यंग ॲडल्ट्स मॅरिड पेरेंट्स ऑल्सो सम ऑफ देम डोंट रिफर टू देम एज बच्चूज. इट डझंट कम आउट वेल. यू डोंट कम आउट व्हेरी वेल इन दॅट. समथिंग काही खटक रही आहे क्या बात. वाय यू कॉलिंग दम बच्चूज म्हणून जातात. दे डोंट वॉन्ट टू बी कॉल्ड बच्चूज. दे मेंटेन देअर डिग्निटी. मेंटेन युअर्स. यंगस्टर्स इज ओके. किड्स म्हणून असं आय डोंट लाईक दॅट. चिल्ड्रन असं एक डिग्निटी आहे त्याच्याकडनं. किड्स मग कळलं तू भास्या नाव आहे. बच्चूज इज व्हेरी हॅम. सो काही की चिर जातं असं रिलॅक्स. फॅन्टॅस्टिक जातं असं काम. लेट इट हॅपन. इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ युअर ओन सेल्फ म्हणलं आहे का ती. चाइल्ड वांगेल कशी तुम्ही पळयता ती तशीची जातं असं. स्टार्टिंग विथ दिस आणि कळलं सुधार हाडचे असं विचार करूयात. वगैरे 8 साल के बच्चे को आश्रम में भेजा जाता. गुरुकुल में भेजा जाता था. उपनयन होता उसका और फिर बस उस आश्रम में गुरु की सेवा में रहता. अध्ययन होता खूब. अध्ययन वेदाध्ययन सेवा करनी पड़ती. तैयार हो गया तो फिर आचार्य जो हैं देखते हैं हाँ ठीक है अब इसको वापस समाज में भेजना है. समाज के यानी गांव के कुछ थोड़ा दूरी थोड़ी दूरी पे आश्रम वगैरह हुआ करते थे. भयंकर अरण्य में नहीं रण एक इस प्रकार से पर प्रशांत वातावरण में लैब कंडीशंस मिलता थी. देन द चाइल्ड वुड बी द बॉय द यंग विद्यार्थी या तो कल ग्रेजुएट मनता थी ही वुड बी सेंट बैक. उस समय तैतरीय उपनिषद की शिक्षावली का उनके जो मंत्र हैं उसका थोड़ा सा कई बार कर चुके हैं पर आज फिर से करूँगा. वेदम मनुच्चाचार्योन्ते वासिन मनुषास्ति सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः इत्यादि. वेदम अनुच्चार्य वेदों का उच्चारण करके उच्चारण करवा के यानी वेद पाठ सिखा के आचार्य क्या कहते हैं. ये जो अंतेवासी हैं नॉट स्टूडेंट्स वहाँ पे रह के सेवा करके शिष्य बन के विद्या जिन्होंने प्राप्त की है हृदयंगम हुई है वो विद्या नॉट जस्ट बाय रोट जिसको कहते हैं. ऐसे अभी युवक को आचार्य जो उपदेश देते हैं. अनुशास्ती एक अनुशासन देते हैं. सत्यम वद धर्मं चर. आई वोंट गो इनटू द डिटेल नो एक्सप्लेनेशन. स्वाध्यायान मा प्रमदः जो सीखे हो उसका अनुसंधान करते रहना उसका पाठ करते रहना कहीं भूल न जाए इत्यादि. आचार्याय प्रियंधनम मा आहृत्य दक्षिणा वगैरह देनी है संतुष्ट करना. प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सिहि यानी अभी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है. प्रजातंतु है पिता पुत्र परंपरा है उसका छिद्र नहीं करना आगे बढ़ाना ऐसा आशीर्वाद देके भेजा जाता था. सत्यान्न प्रमदितव्यम. हाँ ठीक है फिर सोचूंगा सत्य की बात. प्रमाद नहीं करना. धर्मान्न प्रमदितव्यम. इस स्तर पे कहें ग्रेजुएट ऐसे व्यक्ति को वस्तुतः यह उपदेश दिया जाता है जो सभी जानते हैं. मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव. बच्चे को नहीं सुनाते मातृदेवो भव. याद रखना पहली माँ जो है वो पहली गुरु थी. फर्स्ट गुरु वहाँ से क्या प्राप्त हुआ. बहुत प्रेम मिला. प्रेम मिलने से मैं प्रेम का योग्य हूँ ऐसा आश्वासन केवल माँ ही दे सकती है. तो उसको कभी भूलना नहीं. इस प्रकार से एक उपदेश पिता ने सभ्य किया है. सभा में ले जाने का योग्य बनाया है. कैसे बैठना क्या कब बोलना इत्यादि सब सिखाया है. आचार्य देवो भव. आचार्य ही जिसके लिए देव है ऐसे बनना
जो विद्या है उसको सुरक्षित रखना, योग्य व्यक्ति योग्यता को पहचान के फिर उसका प्रसार करना, देना इत्यादि। और फिर क्या आता है, अतिथि देवो भव। वस्तुतः हमें अशे एक वातावरण आना पड़ा है, वी हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट थ्री एंड अतिथि देवो भव, ये मार्मिक होने लगता है। अपना घर है, कमाया, मैं मेरे संतुष्ट रहें, अतिथि अतिथि बिना बताए कोई आए, जिम्मेदार यहाँ परिचित हैं, आए आओ वेलकम, उनका स्वागत करके हॉस्पिटैलिटी में, या मोर देन दैट, नॉट ओनली दिस मच, है मणता अतिथि भाव अनुवाद, लेट योर हार्ट एक्सपैंड। अतिथि देवो भव का अर्थ है कमाओ, आगे बताया गया, खूब कमाओ, पर उद्देश्य क्या है, उसका सदुपयोग हो इस दृष्टि से, फिर वो स्वार्थ में एक घुटन सी न हो, इसीलिए अतिथि देवो भव। प्लैंड इज द अनप्लैंड ऑल्सो, द अनएक्सपेक्टेड ऑल्सो, हैव द करेज टू डील विद इट वेरी इंटेलिजेंटली, इट कैन बी एट अ वेरी सटल लेवल, इट कैन बी अ सडन गेस्ट हु कम्स, यू हैव टू टेक, और यू समबडी इज रिक्वेस्टिंग यू टू हेल्प एंड यू कैन वेरी ईजिली गिव, लर्न टू गिव। अतिथि देवो भव, अनएक्सपेक्टेड, नॉट प्लैंड, नॉट अकॉर्डिंग टू योर आइडिया ऑफ दिस इज माई लाइफ, दिस इज हाउ आई शुड मूव अहेड, somebody else demands, you may be in a position to give a little bit of a sacrifice, dimchashikati. So that is what we are learning here. You have definitely come here for your individual improvement, there's no doubt about it. So you should be able to sit, you should enjoy slowly deeper levels of meditation, you should be able to participate in the path and not get tired out within 15 minutes and all that. आणि करेक्शन्स येत असतात, थँक्यू नका इत्यादी, बट पार्टिसिपेटरी कल जाता, वेन यू ॲक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड यू स्टार्ट वर्किंग रिअली, दॅट अतिथी देवो भव भावना बिगिन्स टू ब्लॉसम इन इट साधक आय हिअर, यू आर नॉट द होस्ट हिअर, यू आर ॲज मच एज अ गेस्ट एज एनीबडी एल्स, अँड स्टील आय एम इन्सिस्टिंग दॅट अतिथी देवो भव भावना हॅज टू ब्लॉसम हिअर. And that is why all this seva, etc. अर्थ जाता है सा, थोड़े पढ़े आते, कितने का परिश कार्य था, उच्च कोटि एक अल्टीमेट स्तर आ रही स्वामी अंगेले शिले, निम गेले आ दीवन संता नहीं, कितने की प्रसंग हमारी कल आते, स्वामी शिराली अस्तन बशिले, कौन की आए लो एक मनुष्य, मस्त त्रास दिला, आणि भारी एक अभिमानाने लोकांक सांगले असं आपण अशी केल्या स्वाम्यांक, मग हगुर हगुर भय बैसो सुरसेना पडाय समूहाचे गुरु शाप लागू नू कल की येऊ नू मग ती माळ जाय मारे दिवन सळली. आनंद आश्रम स्वाम्यांगेला आसन आशिले स्वामी वापरताले, धमाक जाय मग दिवन सळले लागे असे लोकांक कसल्याक तकाश अस घेऊन तितल स्तर आमकां सहजतया करूं जायना आनी करूं जाय, कारण मग तितला तर विशालता येनी हृदयांत, बट एक स्वार्थ सोडचे हे प्रत्येक स्तरारी तुमकां, इट विल बी द डिमांड, तुम्ही साधन करता वेन यू इंटरॅक्ट, वेन यू लेट समबडी एल्स टेक क्रेडिट, यू एनकरेज समबडी एल्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाईक दिस. सो एक दिमचांतो एक परिष्कार या वो, डोंट मेक इट एविडंट, सहजता या वतांतू ह्यांची एक मुख्य आम्ही पळेत असं ती कशी नवे नवे लोक येतात, ती युवा पिढी तयार जाऊन मुखार येऊन करता, एन्जॉय दॅट फ्रीडम यू आर गेटिंग अँड अंडरस्टँडिंग डीपर लेवल्स ऑफ सेवा, बिकॉज यू आर अटेंडिंग टू द इमिडिएट प्रॅक्टिकल कला एक्सिजियन्सीज. मॅन वस्तकले उलवंच ना हो, खूब बरे बरे सर कार्यक्रम जाले नवरात्रीन, तू एक फंत कृपा वृष्टि जाऊँ काज खई आनी कशी पूज जायसरी कले ना, आम्ही वचली कुडांत बसल्यान ती गरबा तयारी जाता, असं हगूर आवाजू कसले
कले लीक जाता है स्वाय वो टैंक ओवरफ्लो जाना पाव सुखें समोज ओवर पाव सु यू हैव टू चेंज द कंप्लीट वेन्यू बट पर्सनली आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज हंग चिके एक्सपोज चल जाता आय एम नॉट वेरी कॉयर आंगणान केलेलो बरें समो गर्भ जाल्लो ग्रँड जालें सहज जाता सगळ्यांत थंय आमकां दिसून आयली एक्सप्रेस दॅट ती सहज जाता ह्या व शक्ती म्हणच भितर दर इज सो मच पुरुषार्थ पुरुषार्थ मध्ये इज रेजिस्टन्स बाहेरी रेजिस्टन्स वी अंडरस्टँड वी हॅव टू डू समथिंग इंटरनल रेजिस्टन्स यू हॅव टू सेन्स बिकॉज इट इज इंटरनली दॅट यू हॅव टू डेव्हलप दॅट पॉईज शिव सायुजम फॉर यॉल शिव इज दॅट स्टेट ऑफ पॉईज अदरवाईज इट विल बी थंड बसला क्या कर रहे हो शांत आहे करता निठल्ला अजीब बसला शांत आहे काय शांती बहते दॅट इज नॉट शिव दॅट इज शव शक्ती नाच ते शक्ती बेतर यू स्टार्ट वर्किंग बट देन वॉट इफ यू फॉरगेट द शिवा विद इन दॅट्स नॉट डिझायरेबल सो ते एक बॅलन्स हाडचे शिवशक्तीचे सामरस्य आमक जाऊंका भायर एक शक्ती प्रकटन वैभव ऐश्वर्य म्हण येत आणि खंय थंय येता असं भितरी भायर हो फरक वोर्न अंततोगत्वा तशें आशिल्ल मी ती अंतरलक्ष्य आसका आनी थंय दॅट स्टेट ऑफ पॉयज आवट ऑफ विच समथींग टोटली न्यू कम्स आवट इट वील बी न्यू फॉर यू ऑल ईच इंडिविज्युअल ऑल्सो आमकां संस्कार मेळटा ती ट्रेनींग मेळटा अनएक्सपेक्टेड कले येवच भितरी थंय पळोवंक कल जाता थंय इट इज नॉट अकॉर्डींग टू सम वॉट डू आय डू तशें म्हणून सन सन्न विशयान तूं अर्थ जातस की कल्ले म्हणलें आमी कमी उलोवच्या पळयतास ती सो तुमी जी केची यू कॅन रिलेट टू इट एंड या मे बी लायक दॅट एक प्रोसिजर आसता तंतू कले इफ देर सम कन्फ्युजन यू हॅव टू चॅक आउट विथ सम सिनियर बट अनएक्सपेक्टेड विंगड कले येता विथ पीपल एट्सेट्रा यू हॅव टू लुक डीपर विद इन अँड देर बी अ रिफायनमेंट बिकॉज आय विल बी डिमांडींग देर विल बी अ रिफायनमेंट युअर रिस्पॉन्स टू दॅट अनएक्सपेक्टेड सिच्युएशन विल ऑलवेज गो ऑन इम्प्रूव्हिंग अदरवाईज आय विल फाईंड इट डिफिकल्ट टू इंटरॅक्ट विथ युअल सो आणि एक तंत्र परिष्कार येता तशी एक दृश्टीकोन दवरून करता सहन एक विषय आयला कोणेकले म्हणल्यार म्हाका दुख्ख जातालें आय वॉज व्हेरी सेन्सिटीव द सेन्सिटीव आय एम सेन्सिटायज टू दॅट वर्ड सेन्सिटीव सेन्सिटीव म्हणून यू आर टची अँड मे बी युअर पेरंट्स हॅव ऑल्सो टोल्ड एवरीबडी दॅट देअर चाइल्ड इज व्हेरी सेन्सिटीव इट्स अ मिसनॉमर वेन यू आर सेन्सिटीव टू अदर पीपल दॅट सेन्सिटिविटी अदरवाईज यू जस्ट टची सो कल करचें इफ यू आर नॉट गेटिंग ट्रबल्ड दॅट इज द फर्स्ट थिंग इन्स्टेड ऑफ गेटिंग रॅटल्ड ना चिकेचे एक स्थिर जालें मन विचार करचें योग्यता वरली बट देन यू मे डील विथ दॅट सिच्युएशन अ सडन कमेंट ऑर समथींग नॅस्टी समबडी सेज कल जालें की दुख्ख जालें आसा का एनी रिजन हाव यू मूव अराउंड इट मेंटेनिंग पीस आवर सायड बडे स्वामीजीन एक प्रसंग सांगिल्लो आमी तितलो वाचनी महाभारत कर्ण आणि दुर्योधनाल बायल कुडांत आशिल्ली दुसरे लोक आशिल्ले कर्ण थंय आशिल्लो जोक्स चलता आशिल्ली मस्त मागीर सडनली ती उठायली कलकी एक नाटकां अशें त्या वेळार कर्णान मणी पर्ल कटीबंद तशी घालून घेतिल्ले धरले आनी शी फ्लिंच शी जस्ट मूव्ड अवे इट स्नॅप्ड पर्ल्स पडली दॅट इज वेन दुर्योधन केम इन ही सॉ दॅट ओ पाय निसरतलो कोणाकय लागतले आनी ही स्टार्टेड पिकिंग अप द पर्ल्स आनी कलेक्ट केले मस्त डिस्क्रायब करता म्हूण ना इट कूड हॅव बीन कल्लें म्हणून ही डिफ्यूज द सिच्युएशन डू यू अंडरस्टँड दीस इट देर वॉज नथींग रॉंग
but it could have been, are, why this sort of familiarity? And Karna recognized that. That is when he embraced Duryodhana and he said, whatever you ask of me, I'll do. That's the prasanga. That is when Duryodhana, I believe, said, Arjun, tujmit matra jata kariman. So learn to diffuse a situation also. Don't enjoy that. You yell, I'll yell louder. Hai ghar anjamcha bhavasa, ashram. Your awareness of the place, spatial awareness, that is your main sadhana. That will define how you should respond to him. Simply shush karno piyogna. It's a very, very different thing. Vichar karat, vimarsh karat. So ashisalam ka avkash manatati, and these are the gems that I see. It's so beautiful. So all ages when they interact has a possible friction sound and how you deal with it, how intelligently you have to bring about a change in yourself and command the situation. That command is a word, please be careful, it doesn't mean you dominate. You don't let it get out of control at all. It's a different, it's a kala. There are not just two individuals here. There's a tremendous shakti which is gracious to me and gracious to this person also. I have no exclusive authority over it. So even as I change and I deal with the situation nicely, that same shakti has equal love for the other person also. So I respect that other person as coming as provided by that divine shakti to which I so want to belong and feel in its entirety, not just a fleeting emotion. Makes sense? Do that. I think these things are clear, isn't it? Instead of saying, I want to see God everywhere and all, I don't know what you're talking. Vyavaharanta palayati, kitl mata zata, diffuse korcha, magir sangcha, this is what, and it's beautiful. It's a learning, learning, learning. Love and atma ek bal ashi vaddu sur zata, that's all. So even the need to explain and all, unless it's required, it fades off. Why I did this? No, actually it was not like, mastakam izata. Makes sense? You know? Nave, study karpachi. Nothing. When you have received a lot of love, naturally you want to give back. Hausman vasta. Kal deviyada. We don't go on feeding each other our anxieties and worries. That is the first thing. Tika kalji man mak kalji, mak kalji man toka kalji. Ashi zao no, we go on hyping up our kalji mahari. This relationship is not coming up to the mind. It's almost unhealthy. So, mukhavel manushaka, close person, kalji as mahari, apanchike sayam the words. So, tashi kornu, we have to come out. Tantu paratek upasanasta yadyad vibhuti mat sarjam shrimad urjatam eva va cha munsanglya. Whatever, wherever you see some excellence, just connect it to me. It's my manifestation, you know, Deva Sangta. So we have excellence. Bhogantamanta, va, you can appreciate. Dance kele, kasle, vilakshan, whatever, something we can. But there is an excellence in very, very small interactions also. How a person has dealt with a particular hand. Learn to admire that. It will be yours. Recognize first that quality and then, vah, malayari, daival navata, tu janto yattal, apnanto yattal, togunu. So, be greedy for this. It's very nice. Ami books vatati, how to improve your life and all. Life is there. Read it, understand it correctly with some basic margdarshan maata. Adeshah upadeshah anushasanam. Adesh yane ye karo, bas. Bacche ko bataya jata hai, adesh diya jata hai. Usko samaj nahi rehti hai. Chhota ek adesh hai. Mujhe pani chahiye, tumhe pani lao.
It's an adesha. You may not understand it. How are you going to anticipate? Upadesha, with an explanation, but I explain. Kon sang chashi, ashesa, ashesa. Anushasanam bhair vastutaha upadesha purvak adeshuji, but it is a lasting thing. You'll have forgotten, but it is so deeply ingrained that when the opportunity arises or in that particular situation, you remember the adesha also and you are able to relate it to the present situation and to your present whatever age or status demands. Manthan zavnu, how you behave will be the anushasanam. That is what we call anusaranam. Anusaranam zam chasu zatta. You don't have to, what was I told, you know, what to do? Tanzaina. It is there deep within and you know this is what is expected of me by my guru. What a joy it is, you know. And you don't require any other approbation from anybody. That poise that you experience, that joy, that is enough. But don't wallow in that also. Move ahead, fastly. Bastit lekakar aati, these are the main opportunities that we all get. Ashi eka, very intelligent gathering antu. Asana of intelligence as nave. Demand kalya swamyani, nadale rupyogna. We just can't connect only. And that intelligence is there. We have tasted, we have sensed the closeness of the divinity and we want it to manifest in our life. That is intelligence. Magale magale haam haam munne haam as, but unfortunately haam kashtugel ki dusre tu khilechi karma. So how do I deal with it? Tashi ek praudhata yevun karyo karoka marg darshan maata. Vamte kon koriya, khushin koriya, at bhajan koriya. Khai isre? Chitswarupa Mahamona Nadaspanda Ringmai Chitswarupa Mahamona Nadaspanda Ringmai Chitswarupa Mahamona Nadaspanda Ringmai Jayati Shri Valli Chidabha Jayati Shri Valli Chidabha Jayati Shri Bhuvaneshwari Jayati Shri Bhuvaneshwari Jitswari
मंदा ह्रीं मही विश्वबीजा विश्वधात्री विश्वबीजा विश्वधात्री विश्वप्रलयकारिणी विश्वचक्रेशी विमोचनी जयति श्री भुवनेश्वरी चित्स्वरूपा महामौना सूक्तस्तुत्या मौन वेद्या सूक्तस्तुत्या मौन वेद्या जयति श्री भुवनेश्वरी मूलसुप्ता मन्त्रदीप्ता सुषुम्नापथगामिनी शिवयोगेश्वरी सुधास्यन्दिनी जयति श्री भुवनेश्वरी जयति श्री भुवनेश्वरी
कार्यक्रमाच आयोजन करूक मस्त पुरुषार्थ केल्या आनी युवधारान एक महीन पहिल दोनूच फूल पार्टिसिपेशन आशिल्लें एक काउंटरार येवन बसचें आनी तातूंत मात्र न्हय अंडरस्टँड द डायनामिक्स सर्विंग शिकता आसा तुवें ओके तयार कितले घंट्यार जाता वेजिटेबल्स कशी येता ती खंय थंय येता ती माहिती हगूर घेया ती अजय मामा लेग्यांनी सांगिल्लें सो हगूर हगूर अंडरस्टँड हाव दी एन्टायर इन्स्ट्रुमट फंक्शन्स नॉट आय नो ओनली दीस मच म्हूण सो तेवें तांणी केल्लें आनी सुमार लोक पांच दिवस धा दिवस राबल्यान थांगा ताजे पयले जॉब्स खंय हांवें खंय 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 कॉन्फरन्सिसान चलता आसा ती आनी येवन कंप्लीट डेडिकेशनान केलें हें पूण एक हाज्यान पूण प्रेरण प्राप्त जावो कपल्ड वीथ वॉट गिरीश माम जस्ट मेन्शन्ड आतां सगळें आशिल्ल मेती इक्विपमेंट घार बसुनूच आमकां लागीत आनी पळयलें बारी दिसता म्हूण जाल्यार ओके बट ऑन गूड ओकेशन्स जिके ये या ती आय डोंट हॅव टू बी हॅप लाभ घेयात तेजे स्थान आर्यवन घेवचें विंगडचें आसता इतलेक ईज कोर न्हू खंय जातले गुरू साहेब खंय जातली एक तितलें सामर्थ्याचें वरश ना सगळें द कम्फर्ट ऑफ युअर रूम ऑर बेडरूम सगळें मेळ म्हूण जाल्यार जावचें सुवें थोडे पुरुशार्थ करा ती प्रेरीत जावन करा ती मस्त लाभ जातलो तावें आमी सांगता ती ताजी मस्त गरज आसा शारिरीक कले हें आसा इत्यादी आमच्या जायना विंगड खबरी आलशेपणां मी ती ह्या नातील राबल्यार यू आर रियली लुजींग आवट ऑन अ लॉट अर्थान तूं आय डोंट नो आय स्टील हॅव अ इयर ऑन ऑलमोस्ट अ मंथ टू गो ओके 60 का हां बट हॅज इट नियर करा ती म्हण चिके म्हण अधिकार चड येता आनी तांत एक सहज जाताय येता ना वे नोबडी इज आर्टिफिशियल मुख्य यजमान जावन आशिल्लो ओपणी मामू तशीच आमगेलो प्रेसिडेंट मामू वायस प्रेसिडेंट मामू सगळे सिनियर्स जाल्यार चेडणाक न्हाण येना पूण जे पळोर वडो लावन ते बांदून पेटयतात पळय तशी जावन बसली रिसीव करूं काय तळी एवरीबडी इज अ बच्चू ओनली देवी मुखारी वय की ना तवळ दीस सहज येता न्ही जबाबदारी आल्यार यो बिकॉज यू कॅन डॅमेज यू आर रिस्पॉन्सिबल सहज येता तें एक बालवद आचरेत म्हूण आसा ज्ञानाची पराकाश्ठा सितप्रज्ञस्य का भाशान म्हूण सांगना पूण कितली वर्णन केल्या बाहेरचें वर्णन कर न्ही तो अशें बसता अशें हें करता आनी कर न्ही आंतरीक स्थिती कसली तें वर्णन केलें आनी एक सहज इन अ नटशेल म्हळ्यार ही बालवद आचरण नॉट चायल्डिश चायल्ड लायक सहज जाता येता मी म्हणलेलें इज नॉट सो इम्पॉर्टंट मिथ्या म्हूण कळ्ळ्या इज नॉट गोण टू प्रोजेक्ट ऑर प्रोटेक्ट सो एक सहज जाता येता सो प्रकटतया एक सहज जाता आयली आमकां खुशी जाता आसा बट तें पॉयज येवंक रिमेंबर दॅट
कार्य जाऊँ का तो बाहर प्रकट जाता आंतरिक विद्वेष आसता ते शांत जाऊँ का बट नॉट स्टाइफल्ड और ग्रैंड कोन जाता इतले एक लक्ष दबर लिया गमटे कोन कोरिया खुशीन कोरिया ईच वन ऑफ अस इज एंटाइटल्ड नोबडी इज मोर एंटाइटल्ड सो तितले का खुशीन के लिया कोणाल मर कौतुक जाता गुरुंगेल कौतुक जाता गुरु शक्तील कौतुक जाता वस्तुत तशें जावचें सूर जाता आनी तुमकां कल मेळटा म्हाका कल मेळटलें सर्वत्र व्याप्त जावन आसी गुरू शक्ती म्हूण तें म्हाका बोध जाता दॅट इज आवर गोल प्रत्यक्ष हो नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः महादेव एनीथिङ्ग् एल्स् हव् ऐ मिस्ड् औट् आन् एनीथिङ्ग् कले साङ्ग् चशिल् वा एनियन् आदित्य कले अशिल् वा वण्डर्फुल् वर्क् You should share your experiences, okay? Javna Bailari Ani, with the seniors, Kornai Lianti, and with people who have not yet had the occasion or the privilege of doing seva, sustained seva. Share it with them. It'll be nice. What you learned, what you enjoyed. I like this, yes. But what I learned to like, even better. Moggan was the word. Sujata Pachil, Ashil Asli, I would have remembered. We want to be Moggan, bhai. Guru ka, Guru mukha naav hai. Aam palitl buddhvanta sa so, you are privileged to have me as Shishya Mundhvai. Om Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadev.